हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आप लोगों के साथ राजमा और जीरा राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले राजमा की तैयारी कर लेते हैं हम लोग। राजमा को मैंने रात भर सोख करके रख दिया था, अब मैं इसे अच्छे तरीके से पका लूँगी। राजमा को पकने के लिए मैं कुकर में डाल दी हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा पानी, जिससे कि ये अच्छे तरीके से गल के तैयार हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। इन सभी को डालकर अच्छे से राजमा को पकने के लिए रख देती हूँ। जब तक हमारा राजमा पक रहा है, तब तक मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। मसाले में मैंने लिया है 2 खड़ी लाल मिर्च, 2 कोट लहसुन, 1 इंच अदरक और 2 बड़ी साइज की प्याज। 1 प्याज को रफली चॉप कर ली हूँ और 1 को मैं स्लाइस में चॉप कर ली हूँ। सबसे पहले मैं लहसुन, अदरक और लाल मिर्च को हल्का क्रश कर लूँगी। अब मैं प्याज को भी इसमें डालकर हल्का क्रश कर लूँगी। मसाला तैयार हो चुका है, राजमा भी हो गया है। अब मैं उसे उतार दूँगी और कढ़ाई को रख दूँगी गर्म होने के लिए। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है, तब तक मैं जीरा राइस के लिए चावल को धोकर रख लूँगी। इसके लिए मैंने लिया है 1 गिलास चावल। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दूँगी, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च और स्लाइस में कटी हुई प्याज और 1 तेज़पत्ता। इन सभी को डाल के अच्छे से भून लूँगी। अब मैं इसमें पीसे हुए मसाले को डाल दूँगी और मसाले वाला पानी भी इसमें डालकर अच्छे से चला लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन दोनों को डालकर अच्छे से चला लेना है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 बड़े साइज की टमाटर, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब मैं टमाटर को भी अच्छे से मिला लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी स्वाद के अनुसार नमक। हमारे मसाले में कलर बहुत ही प्यारा आ गया है। मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ी चम्मच किचन किंग मसाला। इन सभी को डालकर अच्छे से मिला लेना है और मसाले को अच्छे से भूनना है, जब तक कि उसमें से अरोमा ना आने लगे। हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर सभी मसाले को एक साथ कर लूँगी। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं राजमा को चेक कर लेती हूँ कि राजमा हुआ है कि नहीं। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है राजमा। अब मैं इसे मसाले में ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिलाकर इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। जब तक मेरी राजमा पक रही है, तब तक मैं जीरा राइस की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने एक पॉट को गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच घी डालूँगी। घी गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें डालूँगी 1 बड़ी चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी। इन सभी को अच्छे से तड़का लेना है। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी भिगोया हुआ चावल। चावल डालकर अच्छे से चला लेना है। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी स्वाद के अनुसार नमक। नमक को भी डाल के अच्छे से मिला लें। तब तक मैं राजमा को चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, हमारा राजमा अच्छे तरीके से पक के तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच गरम मसाला। इन सभी को अच्छे से मिला लें। हमारी चावल भुन चुकी है, अब मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 गिलास चावल के लिए 2 गिलास पानी लिया है। पानी डालकर अच्छे से मिला लें और इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि ये पका है कि नहीं। जब तक हमारी चावल पक रही है, तब तक मैं राजमा की तरफ चलती हूँ।
ये देखिए हमारा राजमा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे धनिया पत्ते से गार्निश करके गैस को बंद कर दूंगी। चावल को चेक कर लेते हैं कि अब हमारा चावल हुआ है कि नहीं। ये देखिए चावल कितने अच्छे तरीके से पक के तैयार हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल कर दिखा रही हूँ कि कैसा बना है हमारा राजमा और जीरा राइस। यदि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।